गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले फार्मूला याद करिए, है ना? तो कौन का फार्मूला अगर आपके पास रहेगा तो आप कोई भी मैथ बना दे सकते हैं। आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, मैथ बहुत ईजी है। जैसे आप 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, प्यारे बच्चों, कहता है ये कौन है ना, ए कुनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर एंड इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी, है ना, इज किलोलीटर। किलोलीटर में बदलना है पहले बच्चों। तो अगर एक कोन का आपका ऐसे कोई मान लीजिए कि इस तरह के है, इसका कैपेसिटी बताइए कि कितना लीटर लीटर में आते हैं। अब आप भी समझिए, देख रहे हैं ना, इसका क्या चीज़ है, डायमीटर दिया हुआ है तो 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, माने 3.5/2, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया। और हाइट कितना मीटर है, अरे जो हाइट आपका 12 मीटर हाइट है, हाइट 12 मीटर और इतना मीटर रेडियस, तो आप इसको पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, ये सब तो निकाल दिए, रेडियस ये है और डीप्थ माने उसका हाइट है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1/3 πr² h, क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, 1/3 πr² h, तो 1/3 π का वैल्यू 22/7, आर कितना 3.5, तो आर स्क्वायर ना चाहिए, एक मतलब 2 बार होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर चाहिए, तो 3.5 by 2 into 3.5 by 2 into h आपको मालूम है कितना है प्यारे बच्चों, 12। अब जो आएगा है ना, उसको आप इसको काट दीजिएगा और जो आएगा इतना सेंटीमीटर आपका क्यू हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यू, तो जितना सेंटीमीटर क्यू होगा, मीटर क्यू, और आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1 किलोलीटर कह रहा है बुक में, देखिए आपको काटना आपको है, इसको आप अपने से करिएगा, है ना, जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यू, तो उतना कैपेसिटी जो होगा, जितना मीटर क्यू आएगा उतने किलोलीटर क्यू होगा, क्योंकि बुक में स्पष्ट कर रहा है प्यारे बच्चों कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1 किलोलीटर, ठीक है ना, तो ये चीज होगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसको स्पष्ट कह रहा है कि ए हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड हाउ मेनी कैनवास क्लॉथ इज क्या रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। प्यारे बच्चों, एक ढेर बना दिया गया, इस तरह से ऐसे ढेर बनाया गया है, गेहूं का है, तो इसका कह रहा है 9 मीटर डायमीटर है, तो 9 मीटर है तो रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों, 9/2 करिए या 4.5 करिए, ये आपका रेडियस हो गया। हाइट ये जो किया गया तो आपका 3.5 मीटर हाइट है, तो इसको ढकना है ऊपर कैनवास से, तो कैनवास से ढकना है, तो दो चीज इसको निकालने के लिए कह रहा है, एक तो निकालने के लिए कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है इसका, तो वॉल्यूम इक्वल टू आप जानते करते हैं 1/3 πr², तो 1/3 π का वैल्यू 3.14, आर कितना 4.5 स्क्वायर,
इंटू 3.5 है ना, इसको आपको दो बार स्क्वायर है तो दो बार कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए 1.5, अब इस सब को मल्टीपल कर देंगे, देख रहे हैं ना जो बच गया, तो मल्टीपल करने पर 74.1825 मीटर क्यू हो गया। अब उसको कैनवास ऊपर से ढकना है, तो ढकना है कि मतलब कौन कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, इसका ढकना है तो क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में तो पहले हमको एल चाहिए, अरे तो ये तो हाइट ना है, अभी रेडियस है, ये आपका हाइट इक्वल टू 3.5 है, आइए रेडियस है पहले बच्चों, तो एल का वैल्यू पहले निकालिए। तो एल इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 4.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए तो 24.25 प्लस 12.25 अंडर रूट 32.50, ये आपको आ गया क्या चीज़, एल का वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू हो गया। अब इसको आप निकाल भी सकते हैं एल का वैल्यू, इसको अगर अगर निकालते हैं तो इसको निकालते हैं तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। तो कैनवास का अब इसको कर्व सरफेस एरिया है ना ऑफ हीप का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल हीप पाई आर एल पढ़े ना कर्व सरफेस, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 2.5, अब एल कितना है 5.7, टोटल मल्टीपल किए तो 80.54 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब प्यारे बच्चों सीधे आप ये क्या निकालेंगे, देख रहे हैं ये 12 है तो रेडियस, रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट, रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट कितना 7 मीटर है ना। अब इसको पढ़िए 12 क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए पहले बच्चों, स्पष्ट कहता है कि इसका ए मैन यूज द पीस ऑफ कैनवास हैविंग एन एरिया ऑफ 551 मीटर स्क्वायर टू मेक ए कोनिकल टेंट है ना ऑफ वेस रेडियस 7 मीटर, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग है ना मार्जिन एंड वास्टेज इंक्लूडेड वाइल कटिंग अमोंग द टू अप्रोक्सिमली 1 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन मेड विथ। प्यारे बच्चों बहुत आसान, आपका एक कहता है रेडियस पहले से आपका दिया हुआ है, एक टेंट जो ऐसे बनाए तो ये टेंट का जो बना हुआ है इसका रेडियस आपका पहले से दिया हुआ कितना 7 मीटर रेडियस है, और ऊपर से कपड़ा जो लिया, कपड़ा लिया कितना लिया, इसको कैनवास का कपड़ा ऊपर से है ना बनाने के लिए कैनवास का कितना लिया 551, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर क्यू वह 1 मीटर स्क्वायर गया वास्टिंग में या मोड़ने में या कटिंग में, तो इसलिए 1 सेपरेट हो गया, मैंने एक्चुअल बना कितना के 550 मीटर स्क्वायर बन, याद रखिएगा 1 क्यों घटा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का यूज क्या चीज़ में किया, स्ट्रीच करने में किया या उसे मोड़ने में कर दिया या काटने में कर दिया, क्योंकि काट छाट होता है दर्जी के काम देखने करते थे इसलिए इसको सेपरेट कर दिया। अब प्यारे बच्चों अब लिख रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास टेंट 550 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला पढ़े थे पाई आर एल इक्वल टू 550,
तो एल हमको निकालना है क्या, तो पाई आर का वैल्यू सेवन, एल कितना, एल कर दिए तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 550। अच्छा ई सेवन से सेवन कट गया था तो ई इधर आ गया, डिवाइड हो जाएगा फिर इसको 25, अर्थात एल का वैल्यू 25 आ गया। 25 कौन आ गया फिर बच्चों, ये साइलेंट हाइट आ गया, ये आपका 25 मीटर हुआ। अब प्यारे बच्चों आपका एच निकालना, तो एच के फार्मूला आप पढ़े थे क्या चीज, एच का फार्मूला क्या पढ़े थे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पढ़े है ना, क्या ये हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या पढ़े थे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना 25, साइलेंट हाइट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 625 माइनस 49 इक्वल टू 5 अंडर रूट 576, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24 मीटर आ जाएगा। अब देखिए तो प्यारे बच्चों इसका हाइट निकल गया, इसका रेडियस है तो वॉल्यूम ना निकल सकता है, बहुत आसानी से अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप प्यारे बच्चों फार्मूला यूज इसलिए बार बार मैं कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना 7 × 7, और हाइट कितना 24 है ना, इस 7 से 7 कट गया, 3 से इसको काट दिया गया, मल्टीपल कर दिया गया 22 × 7 × 8 कितना आ गया 1232 मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ टेंट हुआ। तो वही लिख दिए हैंस वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इक्वल टू 1232 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, स्पष्ट कर रहा है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ द क्लॉथ 25 मीटर वाइड है ना विल बी रिक्वायर टू मेक कोनिकल टेंट हुज बेस रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। वाह 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 वाह, मैंने अब ये सवाल को पहले आप देखिए कितना इजी कहता है, एक कोनिकल टेंट ये बनाना चाहता है, ठीक है ना, इस कोनिकल टेंट का रेडियस 7 हो, 7 मीटर, अब हाइट कितना हो जाए 24 मीटर है ना, तो कितना आपका क्लॉथ लगेगा उसका लेंथ बताए, बहुत ईजी प्यारे बच्चों, आप क्लॉथ कैसा रहता है इस तरह के रहेगा, ठीक है ना, ऐसे क्लॉथ रहेगा, कपड़ा देख रहे कि एक रे फोल्ड किया हुआ रहता है, तो प्यारे बच्चों पहले ये देखिए कि कितना कपड़ा लगेगा, पहले उसका एरिया पहले निकालिए, तो कपड़ा तो चूँकि इसको टेंट के कैनवास के लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई है आर भी है और एल नहीं है, तो एल का फार्मूला क्या पड़े थे, अंडर रूट आर स्क्वायर कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आ मैंने रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो रेडियस कितना 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 ऐड कर दिए तो 625 अंडर रूट 25 मीटर, एल का वैल्यू कितना हो गया 25 मीटर, तो एरिया निकाल दीजिए क्लॉथ कितना चाहिए, तो पाई आर एल, क्योंकि उसको जो उसको कर्व सरफेस एरिया होगा वही ना कैनवास लगेगा, क्योंकि बाहर से ना लगेगा, अच्छा तो पाई आर का वैल्यू 7 और एच आपका 25 4, अच्छा एक्सेलेंट हाइट है, ठीक है ना, इसे इसको कैंसिल कर दिए, 550 मीटर स्क्वायर आपको आ गया, क्या आ गया 550 मीटर स्क्वायर इसका कपड़ा लगेगा, है ना, तो प्यारे बच्चों इसका एरिया मालूम है, अच्छा और क्या मालूम है, इसका वाइड भी मालूम है आपको, कितना है वाइड 2.5 मीटर है ना, तो एरिया मालूम है, ये रेक्टेंगुलर हो गया ना बाबू, तो रेक्टेंगुलर का
अगर लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है, ये हाइट देवल है, एरिया देवल है, तो लेंथ इक्वल टू क्या पढ़े थे? लेंथ निकालने के लिए एरिया बाई वाइड, क्योंकि इसका एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू वाइड होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू वाइड होता है, तो लेंथ निकालना है तो क्या एरिया बाई वाइड हो जाएगा। तो एरिया कितना आप निकाले थे? 550 और बाई वाइड कितना? 2.5। ये 10 उड़ाने के लिए आए, वो 0 बैठा दिए और इसको पहले बच्चों डिवाइड कर दिया 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1100/5। ये भी 5 5 25 होता है, फिर 5 से इसको कर दिया गया तो 220 मीटर लेंथ का आपका चाहिए, जिससे आपका इसका टेंट बन सकता है। समझ गए ना? इस तरह से प्यारे बच्चों आपका फार्मूला जब याद है तो देखें कितना आसानी से आप बना देते हैं, बहुत आसान है। थैंक यू।